नीलू उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम पासाखेड़ा थाना पुरवा जिला उन्नाव की रहने वाली है। नीलू 3 माह की गर्भवती थी। 7 जुलाई 2020 शाम 7 बजे लड़ाई करने के इरादे से पड़ोसी वैद्यनाथ पासी अपने दरवाजे से नीलू के घर वालों को गालियां देने लगा। जब नीलू के मना करने पर कि यहां गाली मत दो तो वैद्यनाथ राजकुमार शांति पासी रानी ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। नीलू घर पर अकेली थी। जब नीलू ने शोर मचाया तब पड़ोसी ने दौड़कर नीलू को बचाया और जमीन पर नीलू बेहाल पड़ी थी और उसके पेट में 3 माह का गर्भ का बच्चा था। डॉक्टर की रिपोर्ट को देखते हुए बच्चा गर्भ में ही खत्म हो गया। प्रशासन से उम्मीद है कि नीलू के साथ न्याय किया जाएगा। स्वागत जिंदगी मीडिया से यूपी हेड श्याम जी गुप्ता की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? नीलू। कहाँ की रहने वाली है? पासाखेड़ा। क्या बात हुई आपसे? हम लोग बाहर खड़े थे तो ये एक लंगड़ा है वो आया, मीटर सीट गाली दे रहा था, हमारे भाई भी गाली दे रहा था। तो मैंने कहा तुम आपस की लड़ाई रहे, तुम लड़ाई करो, हमारे भाई लोगों क्यों गाली दे रहे हो। कहता तू साली मादा चोद, तू क्यों बोल रही है। मैंने कहा मेरा भाई है, कोई भी हो बोलेगा नहीं, ये जैसा भाई हो बोलेगा नहीं कोई। तो इतने में कहते हमने कहा ऐसी गाली मत दो। कहता जहाँ आज पैदा होने वाला है जहाँ तक अपल ही कर देगी। तो लात किसने मारा आपके? वो लात पकड़ के 3 लोग खींच ले गए और उसके घरवाली सारे लोग लात के लात मारे न, वो भी लट गए थे आदमी। तो किसने लात मारी आपको? राजकुमार है, बबलू है और बैजनाथ है और वो मिथुन है और वो राकेश है, मुनेश है और हैं। आपने पुलिस प्रशासन में कंप्लेन की थी? नहीं, लेकिन सुनवाई कम हुई थी। सुनवाई नहीं हुई? हाँ, उसका कुछ आपने जो दिया है एप्लीकेशन वो है आपके पास? एप्लीकेशन दिया था, थाने में है। आपके पास कुछ है प्रूफ? हाँ, हाँ, है। NCR है सर। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।